वेलकम टू सजीर भाई गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मेरे पास आया है हुंडा कंपनी का साइन और BS6 है। तो इस बाइक में प्रॉब्लम हो रहा है जो कुछ है, तो मुझे दिया है शार मिसिंग करने के लिए। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को। तो गाइस, ये गड्ढे में गिरने के बाद हम लोगों का जो सस्पेंसर है इतना बैठ जा रहा है। देखिए, यहाँ से एकदम साफ है और इतना सा हम लोगों का सस्पेंसर खेल रहा है। तो गाइस, कंपनी से अभी जैसे कि इस बाइक में शॉकर वाइल भरा गया है, तो अगर इस तरह से हम लोग अगर सस्पेंसर ज़्यादा खेला ले तो इसमें चलाने में अच्छा लगेगा, बट कुछ जगह में प्रॉब्लम हम लोगों को दिखाई देगा जो गड्ढा में गिरने के बाद बहुत ही आवाज़ आता है। तो आज अगर आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में, अगर बाइक अगर गड्ढे में गिरने के बाद अगर बाइक जिसमें कि सस्पेंसर आवाज़ कर रहा है, तो आप सस्पेंसर में वाइल हम लोग किस तरह से छिकाव करें, जो कितना वाइल हम लोगों को लगता है जो गड्ढे में गिरने के बाद हम लोगों को आवाज़ बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा, इस बाइक का हम लोग बॉल रेसर का काम करेंगे और सस्पेंसर का काम करेंगे, तो क्या क्या करना पड़ेगा आप लोगों को दिखाऊँगा। और जिसमें कि हम लोग इसका BS6 बाइक है, इसको टैंकी भी ओपन करना पड़ेगा और सब कुछ करके आप लोगों को दिखाऊँगा। तो सो गाइस, जैसे कि मैंने सस्पेंसर को खोला है शॉकर को, और खोलने के बाद वॉश किया है क्योंकि बहुत ही कचरा था। और यहाँ देखिए, रेसर अगर हम लोग इसको रख दें तो इसमें हम लोग का खरोज आ चुकी है। देखिए, इसी जगह पर स्क्रैच आ चुकी है, और नीचे वाला जो रेसर है थोड़ा ख़राब है। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ख़राब है, तो हम लोग को रेसर बदलना पड़ेगा। यहाँ हमने रखा है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, और सस्पेंस का सर को ऑयल है, ऑयल भी हम लोग चेकअप करेंगे। तो चलिए, हम खोलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस, सबसे पहले हम लोगों को रेसर लगाना पड़ेगा, इस नाट को लगाना पड़ेगा, उसके बाद इस रेसर को हम लोगों को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, बस सर नया इंस्टॉल करेंगे, तो पहले हम रबड़ नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस रेसर को ठोकेंगे और पुराना जो रेसर है इसको हम लोगों को देंगे। देने के बाद हम ठोकेंगे इसको। ठीक है, तो गाइस पूरा रेसर चल चुकी है, चलो पुराना वाला को हम लोग निकालेंगे। बस अब हम लोग रबर इंस्टॉल करेंगे। बस आसानी से हम लोगों का फिटिंग हो चुकी है। ठीक है, चलो इसके अंदर भरेंगे और ऊपर वाला रेसर हम लोग ठोकेंगे। बस खुल गया है, अब नीचे का भी खोलेंगे। बस खुल चुकी है, अब इसको थोड़ा हम लोग जैसे कि सफाई करेंगे। बस अब गाइस, ये दो वाला जो रेसर है हम लोगों का एक ही रेसर है, आपको ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं। तो चलो आपको तरीका बताता हूँ।
अभी हम लोग फाइनल टाइटनिंग करेंगे, नीचे देखो, और नीचे भी हम लोग इस तरह से जैसे कि फिटिंग करेंगे। और पुराना रेसर लेके हम लोग जिसमें कि इसको थोड़ा ले जाएंगे और पुलर की मदद से हम लोग जिसमें कि पूरा कैप्चर करेंगे। बस हो चुकी है, अब हम लोग इसकी मदद से पूरा रेसर को अच्छी तरह से टाइट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसको भरेंगे इसी साइड पे और ऊपर भी एक रेसर देना पड़ेगा इस जगह पर, ठीक है। अब इस नॉट को हम लोग टाइट करेंगे। गाइस पूरा अच्छी तरह से टाइट करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए बैठा हुआ कि नहीं और इस जगह पर बैठा हुआ कि नहीं। तो हम लोग यूज करेंगे सलाई रेज की मदद से अच्छी तरह से जैसे कि टाइट करेंगे इस नॉट को। ऑटोमेटिक हम लोग का रेसर टाइट हो जाएगा, ठीक है। और ये सर हम लोग का टाइट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हथौड़ा का बाड़ी मारेंगे बस, ठीक है। और एक बार और टाइट करेंगे, बस हो चुकी है। तो हम लोग का रेसर फिट हो चुकी है, अब हम लोग नॉट को खोल लेंगे। बस तो गैस यहाँ रेसर हम लोगों का फिटिंग हो चुकी है। अब नीचे वाला रेसर को हम लोग निकालेंगे और ज़ोर से बाड़ी मारना एक ही चांस में, थोड़ा आहिस्ता करके। बस तो गैस आसानी से निकल गया है और हम लोग का रेसर भी अच्छी तरह से सेटिंग हो चुकी है। देखिए एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, रेसर फिटिंग हो चुकी है। तो चलिए हम रेसर फिटिंग करेंगे। ग्रीस दीजिए। तो गाइस हम लोग लगाएंगे ग्रीस, ठीक है। बस और नीचे थोड़ा ग्रीस लगा देंगे। बस अब यहाँ लगाएंगे। बस अब इसको भरेंगे। तो गाइस रेसर हम लोगों का फिटिंग हो चुकी है और यहाँ देखिए थोड़ा प्ले रखना चाहिए, अभी प्ले नहीं है तो थोड़ा हम लोग जिसमें कि इसको लूज करेंगे और इस तरह से मारेंगे। बस हल्का प्ले हो रहा है, प्ले इसलिए हमने रखा जब भी इस नॉट को हम लोग टाइट करें ऑटोमेटिक प्ले हम लोगों का बंद हो जाएगा। अगर प्ले ना रखे और नॉट को टाइट करें तो जंप हो जाएगा, तो एक चीज़ को गौर करना पड़ेगा, थोड़ा प्ले रखेंगे तो ही हम लोग का सेफ्टी होगा और रेसर ज़्यादा दिन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग गिजा के देखिए, हल्का प्ले रखना चाहिए। तो फिलहाल मैंने हल्का प्ले रखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शॉकर में कितना ऑयल डालेंगे और कौन सा बाइक में कितना ऑयल लगेगा वो आप लोगों को बताता हूँ। लिया है और होंडा कंपनी का जो 100 सीसी बाइक है उसमें हम कंपनी रिकमेंड करता है जो 130 ml अगर ऑयल हम लोग डालें तो परफॉर्मेंस बेहतर मिलता है। बट मेरा सजेशन है कि आप लोग 130 ml देने से आप लोगों को गड्ढा में गिरने के बाद साउंड क्वालिटी बेहतर नहीं आता है। तो आप लोग एक काम कीजिए, 145 ml आसानी से दे सकते हैं या 150 ml भी दे सकता है, लेकिन 145 ml देने से क्या होता है, हम लोग का कंप्रेसर भी सही आएगा और ज़्यादा नहीं बैठेगा और बाइक में जैसे कि बड़ा गड्ढा में गिरने के बाद बाइक में कोई आवाज़ भी नहीं आएगा। तो हम लोग जैसे कि 145 ml देंगे, तो यहाँ 150 ml है तो चलो माफ़ कर लेता हूँ।
तो गाइस यहां से हम लोगों का 145 ml हो चुकी है। अब चलो सॉकर में हम लोगों का वाइल माप के देना है, ठीक है। 145 ml इसमें देंगे, 145 ml उसमें देंगे। अब डालेंगे स्प्रिंग, आहिस्ते आहिस्ते कर वरिया तेल ऊपर आ जाएगा। बस थोड़ा सा सस्पेंसर को चाड़ेंगे और एक वॉशर देना पड़ेगा, उसके बाद ये बूस डालेंगे। बस उसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे। लो नॉट लगाता हूँ और आप लोगों को कंप्रेसर भी दिखाता हूँ, जो ज़्यादा हार्ड भी नहीं हुआ है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हुआ है। अब आप लोगों को फाइनल दिखाता हूँ जो हम लोगों का सस्पेंसर कैसा खेल रहा है। तो गाइस यहाँ देखिए सस्पेंसर हम लोगों का बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इससे क्या सीखा आपने, शॉकर वाइल आप लोगों को 145 ml इस बाइक में देना चाहिए। बस बस अब यहाँ देखिए सस्पेंसर हम लोगों का बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो चलिए फिटिंग करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी हम लोगों को नॉट जाम करना है, इसके लिए हमने सस्पेंसर को लगाया है। ये दोनों नॉट को टाइट करेंगे, अच्छी तरह से टाइट करिएगा वरना आपका ऑयल लीकेज करेगा, बाद में ऑयल आपका कम जाएगा। चलिए नॉट को हम फाइनल टाइट करेंगे। बस बस हम लोग टाइट हो चुकी है, अब हम लोग बाइक में हैंडल इंस्टॉल करेंगे। बस अब हम लोग इसको खींचेंगे। चलिए थोड़ा हेल्प करो, पकड़ो इसको, पकड़ के रखो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो। अब मैं देखता हूँ, बस ऊपर लगाओ। तो चलिए ऊपर का नाट लगाइए, नाट लगाइए। तो गाइस फाइनली हम लोग का काम करा हो चुकी है और सर्विसिंग भी हो गया, बाइक स्टार्ट भी हो रहा है। तो फाइनली हम लोग बाइक को स्टार्ट करेंगे। अब बाइक को फार्मेट करेंगे, बाइक को अपडेट करेंगे। तो मेरे पास जैसे कि चेक इंजन लाइट तो नहीं आ रहा है, बट मैं बाइक को अपडेट करेंगे, स्कैन करेंगे सर्विसिंग करने के बाद। तो गाइस यहाँ आप लोगों को कपलर देखने को मिलेगा,
चलो बाइक को लगा देते हैं और यहाँ OBD टूल्स पर हम लोगों का तो इस तरह से फेस आ रहा है। तो चलो ओके बटन मारता हूँ, पूरा बाइक को कैप्चर करेगा। एक बार रिस्टोर कर लेंगे पूरा बाइक को, जिसमें कि बाइक कहीं प्रॉब्लम ना हो, कहीं दिक्कत रहे तो ठीक हो जाएगा। तो गाइस हम लोगों का बता रहा है DTC 0 फॉल्ट, इसका मतलब कोई भी फॉल्ट नहीं है, बट फिर भी हम लोग बाइक को अपडेट करेंगे। एक बार ओके मारता हूँ, रेड कोड पे मारेंगे तो अगर बाइक में कोई फॉल्ट रहेगा तो हम लोग को बताएगा। तो सर्कल करके इरेज कोड पे आएंगे, इरेज कोड पे जब भी आएंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे तो हम लोगों को बता रहा है क्लियर फॉल्ट डाटा। तो चलिए एक बार और मारना पड़ेगा, अभी पूरा बाइक को कैप्चर कर रहा है। तो गाइस पूरा बाइक अपडेट हो चुकी है और बाइक में कोई भी अभी फॉल्ट नहीं है। तो सर्विसिंग करने के बाद हम लोगों को जैसे कि ये भी चेकअप करना है, बाइक में कुछ इशू आ रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिलहाल इस बाइक में कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं इसे फिटिंग कर देता हूँ। तो बाइक यहाँ रख दिया है। तो गाइस आज आप लोगों को दिखाया होंडा साइन बाइक BS6 बाइक में हमने क्या किया, सर्विसिंग किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉल्ट कस्टमर ने बोला था, जो सस्पेंसर में प्रॉब्लम था और हैंडल में प्रॉब्लम था। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनिक भाई को प्रॉब्लम होता है क्या, हैंडल सस्पेंसर में ही। तो वही काम मैंने दिखाया और उस बाइक में फ़िलहाल काफ़ी सारे और भी काम किया, जैसे कि दोनों व्हील को हमने ग्रीसिंग किया, चेन लुब्रिकेंट किया, एयर फिल्टर सफाई किया, बाइक को वॉश किया और पूरा बाइक को सफाई करके दिया। बस ये काम बन गया और लास्ट में जैसे कि आप लोगों को दिखाया बाइक को अपडेट करके दिया। तो मैकेनिक का काम है कुछ बाइक को चेकअप करके, अगर बाइक में कुछ फॉल्ट होता है तो जैसे कस्टमर को बताना सर्विसिंग के टाइम में। तो इसीलिए हम लोगों को पास आता है सर्विसिंग कराने के लिए, चेकअप कराने के लिए। तो हम लोगों का फर्ज बनता है पूरा चेकअप करके कस्टमर को बताना, कोई भी फॉल्ट रहे कस्टमर को बताना। तो फिलहाल इस बाइक को मैंने जैसे स्कैन किया, कोई भी फॉल्ट नहीं आया था और हम लोगों को सही बता रहा था। तो गाइस आज आप लोगों को दिखाया बाइक में सर्विसिंग हम लोग कैसे करें, और जैसे कि हाइड्रोलिक होता है, सस्पेंसर ऑयल हम लोग किस तरह से दिए, बॉलेसर किस तरह से पीटिए फिटिंग किया, आप लोगों को प्रैक्टिकल क्या दिखाया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल का साथ।